नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी और हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जो छुट्टी से लौटने के बाद काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। जयदीप जी, राहुल गांधी में क्या अंतर देख रहे हैं आप? झाला जी, देखिए, एक बड़ा अंतर तो यही है कि वो मुद्दों को लेकर मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ज़मीन से जुड़ाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी पदयात्रा कर रहे हैं, कभी रेल के जनरल डब्बे में सफ़र कर रहे हैं, किसानों से जाकर मिल रहे हैं, कभी जिन लोगों को दिल्ली में नीतियों की वजह से दिक्कत आ रही है, जिनके घरों पर कब्जा हो गया है, जिनको घर नहीं मिल रहे हैं बिल्डरों की दिक्कत की वजह से, उनसे मिल रहे हैं। तो वो कुल मिलाकर सक्रिय दिखाई देने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं, जाकर बाबा केदारनाथ का दर्शन पहले दिन कर रहे हैं जिस दिन कपाट खुल रहे हैं। तो ये बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हैं, संसद में अचानक नेट न्यूट्रलिटी का मुद्दा उठा देते हैं, लैंड बिल पर संसद में बहस करते हैं। तो ये जो अचानक 59 दिनों की उनकी यहाँ से वापसी हुई है 59 दिनों बाद, और 59 दिन जो वो गायब रहे, एक हाइबरनेशन का पीरियड था, एक आराम का पीरियड था, एक पुनर्जागरण का काल जिसको माना जा रहा है कांग्रेस के भीतर, वो पुनर्जागरण कितना बड़ा, गंभीर और महत्वपूर्ण है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़ा परिवर्तन तो ये दिखाई दे रहा है कि वो ज़्यादा मुखर होने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल ने इसके लिए विधिवत प्रशिक्षण लिया है। हाँ, अगर ऐसा हुआ भी है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी फिलहाल गांधी परिवार के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस की दुविधा यह है कि गांधी परिवार के अलावा किसी भी सदस्य को यदि कांग्रेस का मुखिया बनाकर आप खड़ा कर देंगे तो कांग्रेस बिखरना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह अहंकार की लड़ाई, आपसी वर्चस्व की लड़ाई इतनी बड़ी और गहरी है कि कांग्रेस तिनका तिनका होकर अलग हो जाएगी। तो कांग्रेस को जोड़े रखने के लिए यदि कोई घोल उनके पास है, कोई फेविकॉल है, कोई ऐसी ग्लू है जो उनको जोड़ के रख सकती है, तो वो है गांधी परिवार। अब गांधी परिवार में यदि जिस तरह का नेतृत्व, विषम परिस्थितियों में भी अचानक राजीव गांधी को नेतृत्व संभालना पड़ा था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जब हत्या हुई उसके बाद, पर उन्होंने कमोवेश अपने आप को संभाला और एक नेता के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रहे थे खुद को, और देश उनके पीछे खड़ा हो गया था, और उनकी तमाम कमियों के बावजूद वो एक जनमान्य नेता के रूप में उभर कर आए थे। उनके जाने के बाद सोनिया गांधी के हाथ में जब ये कमान आई, तब शुरुआत में उनकी क्षमताओं पर भी बहुत सवाल उठाए गए, लेकिन सोनिया गांधी ने भी गजब की क्षमता इस बात को लेकर दिखाई कि वो काफी धैर्य के साथ, काफी अनुशासन के साथ राजनीति का पाठ पढ़ती रही और कुछ न कुछ करके कांग्रेस को एकजुट रखकर, ये भी उनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि जिस तरह से यूपीए की सरकारें बनी और 10 साल का लगातार शासन किया, उसके पहले का एक पूरा कार्यकाल उनके नेतृत्व वाला रहा जिसमें भले ही, तो ये उपलब्धि है कि सोनिया गांधी भी तमाम कमजोरियों और तमाम प्रश्न चिन्ह जो उनके सामने खड़े किए गए थे उसके बावजूद कांग्रेस को संभाल कर रखने में बहुत हद तक कामयाब रही थी। लेकिन उसके बाद जब जयपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाकर प्रस्तुत किया गया, तो दरअसल लंबे समय से राजनीति में बैकेंड से अपना काम संभाल रहे और पीछे से, पर्दे के पीछे से मोहरे हिलाने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी अचानक पर्दे पर सामने आ गए थे। तब ये कहा गया था कि उनकी मां ने कहा है कि सत्ता जहर है और बहुत तरह की नाटकीयता भी उसमें शामिल रही थी। अब सवाल ये था कि उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दे देने के बाद राहुल गांधी किस तरीके से कमान संभालते हैं कांग्रेस की। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक कई सारी विफलताएं आई। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें तमाम उन्होंने रैलियां की, हमले किए, उसके बावजूद कांग्रेस बुरी तरह हारी। उसके बाद के जितने विधानसभा के चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस को कोई खासी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद उनका सबसे बड़ा जो लिटमस टेस्ट हुआ था वो हाल ही का 2014 का जो आम चुनाव था, जिसमें सीधे सीधे उनकी टक्कर कद्दावर कद के नरेंद्र मोदी के साथ थी। अब ये मोदी जी की लहर थी, राहुल गांधी का दुर्भाग्य था, या कुछ भी कहें, लेकिन राहुल गांधी खुद को एक सर्वमान्य नेता के रूप में उस तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए जैसे कि अब तक के गांधी परिवार के लोग करते आए हैं। तो निश्चित तौर पर एक चिंतन का बड़ा दौर चला है कांग्रेस के भीतर, किस तरीके से राहुल गांधी की उस छवि से बाहर निकालकर उनको बेहतर बनाया जाए। और इसके लिए ऐसी कोई पुष्ट समाचार नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो प्रशिक्षण लेके आए हैं। अगर प्रशिक्षण लेके भी आए हैं तो उसका कुछ असर दिख रहा है, लेकिन अगर कोई पॉलिश लगाई गई है तो उसके उखड़ने का डर हमेशा रहता है। ये पॉलिश कितने दिन टिकेगी ये देखना होगा। जयदीप जी, राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगते हैं कि जब किसानों की फसल बर्बाद हो रही थी तब वे कहीं दिखाई नहीं दिए।
हाँ, ये तो अब लगातार की देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजनीति में एक दिन के करिश्मे से, एक दिन के ड्रामे से काम नहीं चलता है। आपकी लंबे समय के लिए परीक्षा होती है और उस लंबे समय की परीक्षा में जब आप खड़े उतरते हैं तभी आप सर्वमान्य नेता माने जाते हैं। राजनीति बहुत उतार चढ़ावों की डगर है और उन उतार चढ़ावों के लिए आपको तैयार रहना होता है, सतत जनता के सामने उपस्थित होना होता है। आप सत्ता में हो या ना हो, आपको सक्रिय बने रहना होता है। सबसे बड़ी बात यह कि आप सक्रिय बने रहें। अब अगर राहुल गांधी जी अपने मूड के हिसाब से सक्रिय होंगे तो फिर से दिक्कत पैदा हो जाएगी। एक बड़ी दिक्कत यही रही है कि अचानक वो भट्टा परसोल चले जाते हैं और किसानों के हित की बात करने लगते हैं, अचानक वो नागपुर में कलावती के घर चले जाते हैं और कलावती का मसला संसद में उठाते हुए दिखाई देते हैं, अचानक खुद अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में चले जाते हैं और एक दलित के घर पर सोकर एक नए तरह का स्वांग रचने की कोशिश करते हैं। पर अगर इसमें सतत निरंतरता नहीं होगी, इसमें कोई आपस में धागे जुड़े हुए नहीं होंगे, आप हर मुसीबत के समय लोगों के साथ खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे और केवल चुनिंदा मुसीबतों के समय, चुनिंदा मौकों पर ही आप ऐसा करते हुए दिखाई देंगे तो उसे नाटकीय माना जाएगा। लेकिन आप उनके हक की लड़ाई सतत लड़ेंगे तब माना जाएगा कि आप लगातार गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर, आप लगातार लड़ते रहे हैं उन मुद्दों को लेकर। और ये जो चुनिंदा समय पर एकदम से, तो वो तो फिर एक ड्रामा हो जाता है, क्योंकि ड्रामा में आपकी एंट्री और एग्जिट तय होती है। अचानक आप पर्दे के पीछे चले जाते हैं, अचानक आप पर्दे पर नजर आ जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, जिंदगी की वास्तविकता है। राजनीति का सचमुच का मंच है, रंगमंच नहीं है। तो अगर वो एक रंगमंच के किरदार के रूप में अपने हिसाब से अपनी एंट्री और एग्जिट तय करते रहेंगे तो फिर जनता भी उनकी एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से ही तय करेगी। ज्यादा अच्छा होता कि वे बिहार का दौरा करते जहां भी चुनाव होने वाले हैं। हाँ, बिहार का दौरा इसलिए भी जरूरी था कि जो अभी हाल का भूकंप आया है उसमें बिहार में भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में लोग भूकंप से प्रभावित हुए हैं। नेपाल के जो भयावह भूकंप आया है उसकी जो त्रासदी है वो हिंदुस्तान के लोगों ने भी भोगी है, तो उनके साथ भी खड़े रहना चाहिए। ये भी सच है कि इस वक्त किसानों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और किसानों को लेकर लगातार राजनीति इस देश में हो रही है दो अलग अलग मुद्दों पर। एक तो जो ओलावृष्टि और अचानक बेमौसम की बारिश हुई है उससे जो खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, एक वो मसला है। दूसरा लैंड बिल का, जो भूमि कब्जा कानून जिसको कहा जा रहा है, वो मसला है। दोनों ही मसले गंभीर हैं, दोनों ही मसलों में सीधे सीधे किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों मसलों पर राजनीति ज्यादा हुई है और सार्थक बातचीत कम हुई है। ऐसे में अगर वो किसानों का मुद्दा उठाना भी चाहते हैं तो ठीक है, ये उनकी मर्जी है, लेकिन वो कहां जाएं और किस मुद्दे को उठाएं इसको तो मुझे लगता है उनको थोड़े सही तरीके से और सोचकर तय करना होगा। उनको ये भी तय करना होगा कि कोई दिक्कत यही होती है कि यदि कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उस तयशुदा स्क्रिप्ट के हिसाब से आपने अपनी रिहर्सल कर ली है, पर सच्चे जीवन में कुछ और घटना हो गई है, तो आपको उसके हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट बदलनी पड़ती है। आप एक छोटी सी बात देखिए कि एक मुद्दे को लेकर बहुत बहस हुई लेकिन उसका जिक्र यहां पर जरूरी है कि एक आम आदमी पार्टी की रैली हुई और उसमें एक व्यक्ति ने पेड़ पर चढ़कर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फांसी लगा ली, और वो फांसी थी या एक हादसा था ये तो जांच का विषय है, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री सामने थे अरविंद केजरीवाल, उनको तय करना चाहिए था कि वो रैली नहीं करेंगे और रैली को बंद करेंगे, और बाद में खुद उन्होंने स्वीकारा और माफी मांगी। वहीं एक नेपाल का बड़ा भयावह भूकंप आया और हादसा हुआ और उसी के अगले रविवार को, शनिवार को हादसा हुआ और रविवार को 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात रेडियो से करने वाले थे, और जाहिर है कि उसके लिए उन्होंने कोई स्क्रिप्ट तैयार की थी कि किसानों का मुद्दा, फसल बर्बादी का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि भूकंप आया है और भूकंप से मैं दुखी हूं। अब ये चाहे उन्होंने किसी भी कारण से किया हो, लेकिन वो ऐसा करने में अगर सफल हुए हैं तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति को देखकर निर्णय लेने में अगर आप सफल हैं तो ही आप नेता हैं, तो ही आप वो व्यक्ति हैं जिसकी ओर दुनिया देखेगी। अगर आपने एक स्क्रिप्ट लिख ली है और उस स्क्रिप्ट के अलावा कुछ करना आपको नहीं आता है तो फिर आपके लिए जीवन में दिक्कत है। लेकिन नैसर्गिक गुण यदि नेतृत्व के आप में हैं तो आपका मन आपसे खुद कहेगा कि चाहे मैं इस वक्त नागपुर जाने वाला था, महाराष्ट्र जाने वाला था किसानों से मिलने, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बिहार जाऊंगा तो भूकंप पीड़ितों के साथ खड़ा रहूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ये व्यक्ति को खुद तय करना होता है, ये उसके इर्द गिर्द के लोग या लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से तय नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी कोई करिश्मा दिखा पाएंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े करिश्मे की उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि इस तरह के दौरों से जो कांग्रेस संगठन है उसको कितना फायदा होगा, ये ज़्यादा बड़ा सवाल है। इस वक्त दिक्कत कांग्रेस की जो है वो इस तरह की सार्वजनिक उपस्थितियों की नहीं है। इस तरह की सार्वजनिक उपस्थिति उनके पास जो दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश और पी चिदम्बरम और दूसरे नेता हैं वो इस भूमिका को बखूबी निभा सकते हैं, जो मुखर हैं, जो मंचों पर बात कहना आनंद शर्मा हैं, ये ऐसे लोग हैं जो पब्लिक को डील करना जानते हैं अच्छे से।
अभी दिक्कत कांग्रेस के संगठन की है, जिस तरह की लगातार हार कांग्रेस के लोगों को देखनी पड़ी है राज्य के चुनावों में, स्थानीय निकाय के चुनावों में, उपचुनावों में, वो अभी उस झटके से उबर नहीं पाए हैं, वो हताश हैं। उस हताश निराश कांग्रेस के कार्यकर्ता में आप कैसे, ये ठीक है कि जब आप जाएंगे लोगों के बीच दिखाई देंगे तो कांग्रेसियों को लगेगा कि नहीं हम खत्म नहीं हुए हैं, हमारा नेता जा रहा है, मिल रहा है, हमारा नेता अभी भी दम रखता है हमारे साथ खड़े रहने का, लेकिन इसके आगे जाकर उनको संगठन को फिर से संजीवनी देने के लिए क्या करना है, इस पर ज्यादा गंभीर मंथन करना होगा। जमीनी ढांचा जो कांग्रेस का बिखर चुका है, व्यक्तिवाद हावी है, गुटबाजी हावी है, जो कांग्रेस के बारे में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि वहां पर जो है व्यक्ति और उसके शागिर्द चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। आप जिस व्यक्ति को टिकट देते हैं वो व्यक्तिगत स्तर पर अपने नेटवर्क को खड़ा करता है चुनाव में उसके समर्थन के लिए, कांग्रेस संगठन के रूप में वो चुनाव नहीं लड़ पाती। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार संगठन के रूप में चुनाव लड़ा, व्यक्ति के रूप में भले ही नरेंद्र, और हर बार ऐसा होता है, और उसके पीछे उनके जो दूसरे अनुषंगी संगठन है वो भी लग जाते हैं, जबकि अनुषंगी संगठनों का कांग्रेस ने भी एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था जिसमें NSUI और सेवा दल और दूसरे तमाम महिला कांग्रेस ये सब शामिल हैं, लेकिन इन संगठनों की जमीनी स्थिति क्या है ये अगर राहुल गांधी उसकी विवेचना करें, उन संगठनों को पुनर्जीवित करें, सालों साल से जो शहर जिला ग्रामीण स्तर के अध्यक्ष नहीं बदले गए हैं, सचिव नहीं बदले गए हैं, चुनाव नहीं हुए हैं ठीक तरीके से, वही व्यक्ति लगातार उस पद पर काबिज है, चाहे उसकी नेतृत्व में चुनाव हारे गए हों लगातार तो भी वो पद पर बना हुआ है, इन सब चीजों को राहुल गांधी को देखना होगा। अगर वो सचमुच में कांग्रेस में प्राण फूंकना चाहते हैं तो उनको मुझे लगता है, बल्कि जिस तरीके से वो देश से कुछ समय के लिए गायब हुए थे वैसे बल्कि उनको इस खबरों के परिदृश्य से कुछ समय के लिए गायब हो जाना चाहिए और उन्हें होमवर्क करना चाहिए और उनको कांग्रेस संगठन को नीचे से खड़ा करने की कोशिश करना चाहिए और तभी जनता के सामने आना चाहिए जब अगले 3 महीने 6 महीने वो कांग्रेस के नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर ले। राहुल के राजनीतिक भविष्य को कैसा देखते हैं और क्या उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? देखिए, ये तो कांग्रेस का भीतरी मामला है, ऐसा कह के फिलहाल इसको टाला भी नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस को देखना है कि वो क्या करेंगे। मैंने जैसा कि कहा कि इसके अलावा कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, अगर वो राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाएंगे तो सोनिया गांधी जो तो अभी अध्यक्ष हैं, प्रियंका गांधी राजनीति में आना चाहती नहीं है, इसके बाद कांग्रेस परिवार में जो गांधी परिवार है उस पर पूर्ण विराम लग जाता है और कोई सदस्य ऐसा है नहीं गांधी परिवार का जो कांग्रेस की कमान संभाल सके, तो ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी के अलावा फिलहाल कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ये जो मजबूरी है कांग्रेस की, ये देश की मजबूरी नहीं है। कांग्रेस को अच्छे से ये समझना होगा कि राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस की मजबूरी हो सकते हैं लेकिन देश की मजबूरी नहीं है। देश को तो उनको अपनी स्वीकार्यता बनानी होगी, देश का नेतृत्व संभालने के लिए खुद की काबिलियत को साबित करना होगा, तब जाके देश उनके नेतृत्व को स्वीकार करेगा, खासतौर पर तब जब वैकल्पिक राजनीति के नए स्वर हिंदुस्तान में उभर रहे हैं, जब नए नए गुटीय समीकरण सामने आ रहे हैं और तब जब नरेंद्र मोदी के रूप में एक बहुत बड़ा कद्दावर नेता आपके सामने खड़ा हो, तो उससे बड़ी लाइन आप कैसे खींच पाएंगे, अपनी स्वीकार्यता कैसे साबित कर पाएंगे, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर राहुल गांधी ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कांग्रेस के लिए। देश भी यह चाहता है किसी भी तरह की एक पक्षीय राजनीति ना हो, जो लोकतंत्र होता है उसकी मजबूती ही इस बात में है कि एक मजबूत विपक्ष हमेशा सामने खड़ा हो, ताकि सत्ताधारी दल को हमेशा ये लगता रहे कि वो कोई गलत काम करके, तानाशाही करके, मनमानी करके सरकार में नहीं बने रह सकते हैं, उनको सदैव जनहित के कार्य कर रहे होंगे, नहीं तो जनता उनको आसन से उतार देगी। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सत्ताधारी दल थोड़ा निरंकुश तो हो ही जाता है और उनको लगता है कि हम अपने हिसाब से नीतियां चलाएंगे क्योंकि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से जनता को या कांग्रेस को मजबूर न मानते हुए सत्ताधारी दल ढंग से देश के हित में काम करे, इसके लिए तो जरूरी है कि एक मजबूत विपक्ष मौजूद रहे। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस वक्त जो नेता विपक्ष के नेता के रूप में देश के पास मौजूद है, देश के पास नहीं कांग्रेस के पास मौजूद है, वो अभी उतने परिपक्व नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई प्रशिक्षण लिया है जिसके आधार पर वो बेहतर तरीके से अपनी सोच को सामने रख पाएंगे, तो हमें इंतजार रहेगा कि वो प्रशिक्षण मुकम्मल हो, सचमुच उनकी दिल की गहराइयों तक उतरा हो, क्योंकि ये केवल अगर ऊपर से चेहरा चमकाने की कोशिश है तो निश्चित तौर पर इसकी जिल्द जो है कभी भी खुल सकती है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी की सक्रियता की, अगले बार फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।